ये लड़की ये अट्टा बना रही है यहाँ पे, ये देखे वीडियो में देख लो ना यार, रंग उड़ गए। ये देखे लहरें दिखी, लहरें दिखी, दिल काट रहे ये तो आज भाई जान। यहाँ पे दिल खुलते यार, पता नहीं समझ नहीं आ रही होती यार, ये रोना आ रहा डर से। लेकिन यार एडवेंचर किस्म का ये रंग जाए। हाय, ये बच्चों ने मुझे घेर लिया है, मुझे डर है। इनके जो सर पे जो लगा हुआ जो मट्टी लगी हुई है, ये मट्टी लगाई हुई है इसने अपने सर पे, ये रेड कलर की, खूबसूरत दिखने के लिए। ये मेरे ना लग जाए। ओ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम मौजूद है इस टाइम इथोपिया के अंदर, ये जो कबीला है ये तसांत कबीला। हाँ जी, तो हम इस टाइम जो है तुर्मी शहर में मौजूद हैं। तो यहाँ पे ना एक मस्जिद है, ये छोटी सी मस्जिद आप मेरे पीछे देख रहे होंगे छोटी सी। तो इसके साथ ये हलाल फूड वाला होटल है। अफ्रीका के अंदर हलाल फूड का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उसका आसान तरीका यही है कि कहीं ना कहीं मस्जिद ढूंढ लें, उसके पास आपको हलाल फूड का होटल ज़रूर मिल जाएगा। या अगर कोई दुकान भी होगी तो उसमें उस पर चीज़ें आपको हलाल मिल जाएंगी खाने के लिए। तो हमने भी एक मस्जिद ढूंढी है अपने टूर गाइड से कह के, क्योंकि मस्जिद ढूँढो, मस्जिद मिली है तो मस्जिद के साथ हलाल फूड वाला होटल भी मिल गया है हमें। तो देखते हैं कैसा है। मुसलमान का घर है यार, ये देखें, यहाँ पे आपको सफाई सुथराई भी नज़र आएगी, ये देखें। और ये इन्होंने मेहमान खाना, यानी जिस तरह हमारे होता है पंजाब के अंदर, बिल्कुल वैसे ही ये साइडों पे उन्होंने मजलिस टाइप लगाई हुई है, और सेंटर में ये यहाँ की मशहूर चीज़ जो काफ़ी वो है, ठीक है। तो ये इनका मेहमान खाना है, सफाई देख लें, जायनमाज भी पड़ा है सामने काफ़ी है। हाँ जी, तो हम आ गए हैं दरिया के किनारे पे, जहाँ से हमने कश्ती लेनी है, और आगे आगे विलेज जो है दसानेज विलेज, वहाँ पे जाना है हमने। ना तो बैठ गया, डर रहा है यार, थोड़ा सा लेफ्ट राइट होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा, ये तो घूम के आएगी, उलट जाएगी। और किस तरह हम जाएंगे दूसरी साइड पर। ये हमारा टूर गाइड था, वो तो चढ़ गया है, उसका काफ़ी एक्सपीरियंस है यहाँ पे जाने का, क्योंकि वो आता रहता है, वो बैठ गया। हम भी जाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। हाँ जी, तो बैठ गए हैं इस कश्ती के अंदर, बहुत मुश्किल से बैठा जाता है इसके अंदर। ये कश्ती क्या है, एक लकड़ी है बस, तो डर भी बहुत लग रहा है। मैं तो सफ़र की दुआ पढ़ लूँ, अल्लाह खैर खैरों की तो दूसरे किनारे पे ले जाए। और अगर ये मूव होगी ना भाई, तो हम सीधा क्रोकोडाइल का खाना बन जाएंगे। इसके अंदर सारे मगरमच्छ है भाई, रिवर में। ये अफ्रीका का सबसे खतरनाक तरीन रास्ता है भाई, सबसे खतरनाक तरीन ये दरख्त है। दरिया जो है ओमो रिवर है इथोपिया के अंदर। दुआवां पढ़ ले सुभान अल्लाह जी। यार भाई, हिलना 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 भाई।
यहाँ पे आना हिम्मत की बात है भाई। यहाँ पे आने के लिए आपके पास हिम्मत और दया जितना बड़ा दिल होना चाहिए, जितना ये बड़ा दया है इतना आपके पास दिल होना चाहिए, तब आप यहाँ पे आए। ये देखें यार क्या चप्पू देख लें इसका, गहराई भी बहुत होनी वीडियो में देख लो ना यार, रंग उड़ गए। ये देखे लहरें दिखी, लहरें दिखी, ओए दिल काट रहा है ये तो आज भाई जान। यहाँ पे दिल यार पता नहीं समझ नहीं आ रही होती यार, ये रोना आ रहा डर से। लेकिन यार एडवेंचर किस्म का ये कैसा एडवेंचर है, अल्लाह खैर आफियत से हमें पहुंचाए दूसरे किनारे पे, अल्लाह पाक खैरियत से ले जाए यार। यहाँ पे लहरें जो ना अभी कम हो गई, वो सेंटर के अंदर पानी का प्रेशर जा रहा था, लहरें अभी बहुत खतरनाक थी, लेकिन डर लग रहा था बहुत ज्यादा। जब इतनान जड़ा बच गया घर दस दे, ओए ओए ओ भाई हौली, बस मैंड पे पहुंचने वाले हैं दूसरे किनारे पे, तो डर तो बहुत ज्यादा लगा, पर अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम किनारे के करीब पहुंच गए हैं। यहाँ तक आ गया था पानी, ये कश्ती है देख लो, ये देख ले बस। ओके जी, डरा ना भाई, ओके जी अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। और अल्लाह का शुक्र है हम दूसरे किनारे भी पहुंच गए हैं, दरिया तो छोटा सा ही था पर ये कश्ती भी बहुत ज़्यादा ही छोटी थी यार, तो लहरें इसकी जो थी ना, बस अल्लाह अल्लाह करके पहुँचे, एक एक करके अब उतरेंगे यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुँच चुके हैं जी, अपना जो इसका दूसरा किनारा था वहाँ पे, लेकिन भाई जान इसने ना सारे कंधे वगैरह याद करवा दिया। हो अल्लाह अल्लाह करके हम पहुँच गए हैं जी किनारे पे, तो ये देख लें ये कश्ती थी, ये कश्ती क्या बस एक लकड़ी थी जिसके जिसपे बैठ के आए हैं हम, अल्लाह का शुक्र है आ गए हैं। शुक्र है अल्लाह का हम खैरियत से आ गए यार, अब हमारे सांस से अंदाज़ा लगाएं, हम कश्ती में बैठ के आए हैं तो फिर भी सांस फूला हुआ है डर डर के, कश्ती ही ऐसी थी, बस दो से तीन दफ़ा तो हम उलटते उलटते बचे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है पहुंच गए हैं। बाकी ये किला जो है ये दसानच यहाँ का, वहाँ पे हम जाएंगे आपको वीडियो दिखाएंगे कि ये लोग किस तरह रह रहे हैं, कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये इथियोपिया के अंदर मौजूद है इस टाइम। हाँ जी ये देख लें इस तरफ, ये जो ज़मीन है ये बहुत ज़रखेज़ है यहाँ की ना, हर जगह पे हम देख रहे हैं कि पानी की किल्लत की वजह से ये जो है बेआबाद पड़ी है, जंगल हैं या इस तरह खाली पड़ी है। तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा NGOs जो हैं वो काम कर रही हैं, ये देखें आप, ये पाइप वगैरह लगा के इनको लिफ्टिंग सिस्टम लगा के खाल वगैरह बना के दिए गए हैं दरिया से, तो ये लोग खेती बाड़ी करना स्टार्ट हो गए हैं। अब देखें जी ये यहाँ का क्लासरूम है, लकड़ियाँ लगी हुई हैं, दीमक यहाँ पे भी लगती है लकड़ियों को, ये देखें लकड़ियाँ चेंज करते रहते हैं। ये कुछ बोर्ड पड़े हैं, कुछ डेस्क पड़े हैं, और ये ब्लैक बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है, ये देख लें, ये एक स्कूल का एक कमरा है, ये यहाँ का स्कूल है जी। ये देखें इस तरफ भी एक क्लासरूम है, सामने ब्लैक बोर्ड है और ऊपर ये छत है इसकी, यहाँ पे पंखों वगैरह की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि हवादार हैं ये वैसे भी, और यहाँ पे मौसम भी ठीक रहता है, नॉर्मल रहता है। ये ऑफिस है जिसको ताला लगा हुआ है क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं स्कूल में, ये देख लेंगे सारा कुछ सामने इस तरफ। और ये इनका यहाँ पे असम्बली वगैरह हमारे पंजाब में पाकिस्तान के अंदर जिस तरह असम्बली होती है तो फ्लैग वगैरह लगाए जाते हैं, ये वो चीज़ है। और ये लाइनों के लिए ये क्लास 1 2 3 4 5, ये देखें ये तख्तियाँ छोटी छोटी लगाई गई हैं 1 2 3 4 5, इसके हिसाब से ये लाइनें बनाई जाती हैं यहाँ पे। और ये नोटिस बोर्ड यहाँ पे, तो ये नोटिस लगा भी हुआ है, एक दिखा देते हैं आपको, ये इनकी लैंग्वेज में है, हमें तो समझ नहीं आएगी, कुछ इंग्लिश लिखी हुई है और कुछ हमारी लैंग्वेज जो यूज़ की गई है, ये नोटिस बोर्ड है जी यहाँ का।
हाँ तो ये देख लें, ये है ना ये क्लासरूम्स के ऊपर जिस तरह हमारे स्कूल्स के अंदर पेंटिंग वगैरह की जाती हैं, तो यहाँ पे भी पेंटिंग्स वगैरह की गई हैं दीवारों पे। ये देख लें ये सारे क्लासरूम्स के ऊपर वो आगे नज़र आ रहे हैं, वो भी इसी तरह के हैं सेम, उनके ऊपर भी पेंटिंग की गई है। तो ये छतें यहाँ पे इसी तरह, यहाँ पे घरों की भी छतें इसी तरह डाली जाती हैं, अब जहाँ पे ये पक्के मकान वगैरह बनाए जाते हैं छतें ऐसी ही होती हैं यहाँ पे, और बाकी स्कूल की भी छत इसी तरह है। देख लें अंदर वाली साइड से भी, हाँ जी। तो हम इस वक्त मौजूद हैं दसानच विलेज के अंदर, तो ये देखें ये इन लोगों के बनाए हुए घर, तो ये सारे ये गांव की जो आबादी है इस गांव की वो 400 लोगों पर मुश्तमल है। वैसे दसानच कबीला जो है वो 98,000 लोगों पर मुश्तमल है। डे टाइम यस, बिकॉज़ हॉट नाइट। अच्छा वो बता रहे हैं कि ये जो घर है ये दिन टाइम के लिए, इसके अंदर दिन टाइम लोग रहते हैं यहाँ पे जो बैठते हैं सारा दिन, और रात के लिए ये घर बनाए गए हैं। तो ये यहाँ पे जो घर हैं ये सारा औरतें ही बनाती हैं, मर्द हजरात जो हैं इनके वो जानवर रखे हुए हैं लोगों ने बहुत ज़्यादा। हम पीछे देखते हैं बहुत बड़े बड़े रेवड़ हैं गाय बकरियों और भेड़ों के, तो मर्द हजरात जो हैं इनके बस वही काम करते हैं, रेवड़ वगैरह चराते हैं, और जो औरतें हैं ये घर जो है सारा उनकी ज़िम्मेदारी होती है, बच्चे भी और घर भी, वो घर में रहती हैं और घर का काम करती हैं सारा। ये जो घर बनाना होता है ये भी औरतों ने बनाना होता है। यहाँ पे दूसरे कबाइल थे जो उनके घर आपने देखे होंगे वो कोपा टाइप थे, और ये इस तरह एक कह लें कि जिस तरह हमारे इलाके में जो मांगने वाले फिरते हैं उनकी कुलियाँ होती हैं उस तरह के बनाए गए हैं उस टाइप। ये देख लें ये उनसे छोटे हैं, पहले जो कबाइल थे उनके घर जो थे आपने देखे होंगे वो बड़े बड़े कोपे थे, तो ये उनसे बहुत ज़्यादा छोटे हैं हाइट के अंदर। तो ये इस तरह बनाए गए हैं, ये देखें दरवाज़े इनके बहुत छोटे छोटे दरवाज़े बनाए गए हैं। ये देखें इसके अंदर कोई सो रहा है मेरा ख्याल है, देखते हैं। वो देखें सामने कोई सो रहा है यहाँ पे, ये इनके बच्चे इकट्ठे हो गए यहाँ पे। तो देख लें यहाँ पे सिर्फ औरतें या बच्चे के अंदर, क्योंकि ये दिन का टाइम है तकरीबन 11 बज रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो मर्द हजरात हैं वो सारे अपने अपने रेवड़ लेके दूर दूर तक चले जाते हैं। तो इनका अक्सर इनके कबाइल की आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई रहती है, तो हमने देखा पीछे मैं वीडियो बनाने की भी कोशिश की लेकिन वो वीडियो बनाने नहीं देते क्योंकि उनके पास गन होती है, AK-47 गन वो रखते हैं अपने साथ कबाइल के जो मर्द हजरात हैं वो सारे जो रेवड़ चलाते हैं, क्योंकि इनकी आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ रहती हैं इन कबाइल की। इनकी हदूद जिस तरह हम समझ लें कि पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, ऐसे इन्होंने अपने बॉर्डर जो है ना वो फिक्स किए हुए हैं कि ये एरिया इस कबीले का है और ये एरिया इस कबीले का है। एक कबीला अगर दूसरे कबीले के एरिए के अंदर दाखिल होता है तो लड़ाइयाँ होती हैं। अभी हमर ट्राइब जो है वहाँ पे हमने जाना था, तो वहाँ पे बताया जा रहा था कि उसकी एक और कबीले के साथ जंग चल रही है इस टाइम, और कल 3 कत्ल हो चुके हैं वहाँ पे। और जब इनकी लड़ाइयाँ होती हैं तो उसके अंदर यहाँ की पुलिस या फोर्स कुछ नहीं करती, बिल्कुल अमल दखल नहीं करती, चाहे आप कॉल करें भी तो वो इन ट्राइब्स के अंदर नहीं आते बिल्कुल भी, क्योंकि हमने देखा है अक्सर यहाँ पर पुलिस के जो भी जवान जहाँ पर भी खड़े देखे हैं हमने, उनके पास गन नहीं बल्कि छड़ियाँ थी, तो गन का छड़ी से तो कोई मुकाबला नहीं, तो इसलिए वो भी इन ट्राइब्स के अंदर नहीं आते। तो आप लोगों से भी अगर आप आना चाहें यहाँ पे अपने साथ एक टूर गाइड ज़रूर लेके आएँ जो आपको गाइड करता रहे। ये इन लोगों को जब गुस्सा आता है, कल हमारे साथ ऐसा हुआ एक ट्राइब के अंदर कि उन वहाँ की औरतें हमारे साथ झगड़ा शुरू कर दिया, तो हमारे टूर गाइड ने जो हमें कहा कि आप निकलो मैं इनके साथ मुकमका करके आता हूँ, हमने वहाँ से फ़ौरन निकलना ही मुनासिब समझा। ये हाल है यहाँ के लोगों का। तो यहाँ पे कत्ल कर देना कोई भी बड़ी बात नहीं है, ना इनको कोई कानून कुछ कह सकता है ना कोई और कुछ कह सकता है। पिछले साल यहाँ पे कोई 2-3 साल पहले यहाँ पे कुछ विजिटर आए थे इस कबीले के अंदर, मुर्सी कबीले के अंदर, तो उन्होंने उस जो है वहाँ पर एक बंदे को मार दिया था, तो उसका भी आज तक कुछ नहीं बन सका। इसलिए यहाँ पर आना किसी भी ख़तरे से खाली नहीं है, अपने साथ टूर गाइड और सिक्योरिटी गार्ड लाजमी ले कर आए यहाँ पर आए। तो अब हमारे साथ टूर गाइड है, वो पहले गांव में जाता है जाके उनके साथ
डील करता है कि इतने पैसे देंगे, इतने लोग हैं हम, और वीडियो बनाएंगे और पिक्चर लेनी है आप लोगों के साथ। तो डील करने के बाद उनको पेमेंट एडवांस में की जाती है, उसके बाद हमें ये दाखिल होने देते हैं अपने गांव के अंदर। ये हाल है यहाँ पे, ये देख लें, ये दोपहर का टाइम है इस टाइम। तो वैसे तो मौसम बहुत अच्छा है, साइडों पर बादल नज़र आ रहे होंगे आपको। तो ये दोपहर के टाइम यहाँ पर लोग जो है वो इस तरह इस बनाए हुए मकानों के अंदर रहते हैं। ये देख लें ये बच्चे और ये भी बैठी है यहाँ पे, ये देख लें। और ये जो चमड़ा गाय का, ये कलीन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इस तरफ ये मुर्गियाँ और ये गाय और एक कुत्ता बैठा है, नज़र आ रहा होगा ये चीज़ है। तो मैं आपको इस यहाँ के ये जो कमरा सा बना हुआ है इसके अंदर जाकर दिखाता हूँ कि औरत क्या कर रही है। देखिए छोटा सा दरवाज़ा, यहाँ से बहुत नीचे होके गुजरना पड़ता है। ये बच्चे बैठे हैं इधर, ये गाय का चमड़ा है जो कलीन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और वो बकरी का सामने। और ये जो लड़की है ये यहाँ पे पत्थर के साथ जो है अट्टा बना रही है, ये देखें, ये देखें इस अट्टे के साथ ये रोटी बनाते हैं। ये गंदम का ही, गंदम ही है, ये देख लें, ये गंदम के दाने हैं और गंदम के दाने से ये अट्टा बना रहे हैं। यहाँ पे वो जो चक्कियाँ जो होती हैं पत्थर वाली जो हाथ से चलाती हैं औरतें, अक्सर पंजाब के अंदर हमने देखा है, वो भी मैसर नहीं है। ये इसी के साथ ही ये सारा दिन ये काम करती हैं औरतें, और ये अट्टा वगैरह बनाती हैं डेली का डेली। और ये बर्तन है, ये देख लें, ये बर्तन है इनके, इसके अंदर फिर ये अट्टा डालेंगी। देख लें ये पत्थर जो है ये इसको इस तरीके यहाँ पे रगड़ रगड़ के गंदम को, और ये अट्टा बनाया जा रहा है। और ये अट्टा इतना बारीक नहीं कह लें, ये देख लें इसके अंदर मोटे दाने भी मौजूद हैं। ये अगर इस तरह का अट्टा हम पंजाब में देखें तो कोई भी खाए ना ये, पर ये लोग खा रहे हैं। ये रें जी, ये अट्टा फाइनल हो गया है। अब ये लड़की जो है ये इसको इस बॉल के अंदर डाल रही है। ये डेली का डेली अट्टा, बस जितना एक दिन में उन्होंने बनाना है खाना है उतना की बनाते हैं बस। ये गंदम का अट्टा, ये देखिए मैं यहाँ पे झोंपड़ी के अंदर हूँ और यहाँ पे बाहर बच्चे जमा हो गए हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये देखिए हाय, ये देख लीजिए अभी हम झोंपड़ी से बाहर निकलते हैं। ये यहाँ की औरतें हैं जी जो घर पे हैं इस टाइम, और तीसरे दूसरे कबाइल थे वहाँ पे, औरतों पे अलग अलग निशानियाँ लगाई होती थी कि शादी हुई है या नहीं हुई। यहाँ पे भी इस कबीले के थोड़े से अलग है। तो ये देखिए जिस तरह ये औरत है, ये इसके दोनों साइड में ये चीज़ है, ये इस चीज़ की निशानी है कि इसकी शादी हुई हुई है, और ये शादी शुदा औरत है। और जिस जो बच्चियाँ हैं उनकी ये ऊपर सर के ऊपर, ये साइडों पे तो इस तरह होंगे, बाकी उनके सर के ऊपर ये साइडों पे तो इस तरह होंगे, ये आगे है, और सर के ऊपर कोई चोटी नहीं बनाएगी यहाँ, क्योंकि इसकी अभी शादी नहीं हुई। बाकी यहाँ पे जो शादी की उम्र है लड़कियों की, वो कहते हैं कि 18 साल है और लड़के की 20 साल है। बाकी इनसे अगर किसी से पूछते हैं कि आपकी एज क्या है, तो वो यही कहती हैं कि हमें कोई पता नहीं है, कि यहाँ पे लोगों की उम्रों का अंदाज़ा ही नहीं है कि ये किस टाइम पैदा हुए, किस डेट को पैदा हुए। ना इनको ये पता है कि आज डेट कौन सी है, ना इनको ये पता है कि आज दिन कौन सा है। इस तरह के ये लोग हैं कि ये लड़की कह रही है मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। तो इसका घर देखते हैं, ये इसका घर है जनाब। ये देखिए ऊपर गाय के चमड़े लगे हुए हैं या लोहे की चादरें वगैरह नज़र आ रही हैं जो, ये देखें ये दरवाज़ा खोल रही है जी। और ये देख लीजिए इंटर हो गई है, और मैं भी अब दाखिल होकर देखता हूँ कि किस तरह इंटर होना है यहाँ पे। तो ये छोटी सी जगह है, मैं बहुत तंग हो गई यहाँ से गुजरूँगा। ये देख लें एक साइड को हो गई, यहाँ से गुजरना पड़ता है, सीधा तो गुजर भी नहीं सकता बंदा। ये जी इनका घर है। अभी औरत बैठी है और ये इसका बच्चा है इसके साथ, और ये नीचे इन्होंने ये कालीन सा डाला हुआ है, और कुछ ये छत है यहाँ पे। ये हमें अपनी जुबान में कुछ बता रही है, ये चूल्हा है, ये बर्तन वगैरह पड़े हैं, ये देख सकते हैं ये हालात हैं इन लोगों के। ये दसानज कबीले की औरतें हैं, दसानज कबीले का ये लोग हैं, और ये घर उनके हैं।
बनाए हुए दूसरे कबाइल के घर और हिसाब के थे यहाँ पे और हिसाब के हैं, ये देख लें। और बाकी यहाँ पे भी शादी का निज़ाम दूसरे कबाइल की तरह, यहाँ पे भी अगर एक बंदा शादी करना चाहता है तो उसको 30 से 35 गाय जो लड़की वालों को देनी पड़ती है, उसके बाद वो शादी कर सकता है। तो 30 से 35 अगर वो दूसरी शादी करेगा तो फिर 30 से 35 या 40 जितनी भी अगला लड़की वाले डिमांड करें वो गाय उतनी उसको देगा, उसके बाद वो दूसरी शादी करेगा। यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि आप एक शादी करें, दो शादियाँ करें, तीन करें। यहाँ की औरतें भी हमारी औरतों की तरह नहीं है कि एक मर्द बस एक शादी करेगा दूसरी शादी नहीं कर सकेगा। यहाँ पे शादियाँ मर्द अपनी मर्जी से कर सकता है जितनी चाहे करे, लेकिन उसके लिए मर्द को गाय देनी पड़ती है लड़की वालों। लड़की वालों के लिए भी कोई पाबंदी नहीं है कि मर्द शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, यहाँ पे ये हिसाब है। छोटी सी मार्केट बनाई हुई है जनाब इसमें। ये जो कबीला है ये मगरमच्छ वगैरह का शिकार करता है, मछलियों का शिकार करता है, और ये खाते भी हैं, और उनके दांत वगैरह के साथ ये चीज़ जो है उनके दांतों के साथ ये बनाते हैं, हार वगैरह बना के भी ये सेल करते हैं। ये सेल करने के लिए हमें वाजें दे रही थी ये मार्केट देखे यहाँ से कोई चीज़ परचेज करें, पर हमने ये चीज़ें क्या करनी है, हम तो वैसे नहीं पहनते। ये सारे औरतें बच्चे उनके गाड़ी के गिर्द जमा हो गए हैं, तो हमने एक दफ़ा तो दरिया अल्लाह अल्लाह करके पार किया था, तो उसके बाद हमने इसको कॉल किया ड्राइवर को कि यार किसी तरीके गाड़ी इधर लेके आओ, हम कश्ती में नहीं सवार होते। हम एक दफ़ा सवार हुए और बस वही बहुत है हमारे लिए, हमारी तो टांगे काम गई थी पहली दफाई, तो अब हमने नहीं सवार होना, तो वो गाड़ी लेके आया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि दोसांझ कबीला था उसके ऊपर थी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से यही इल्तिमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के मज़े की वीडियोज़ आप तक पहुँच रहे हैं, आप देखते रहें और इन्जॉय करते रहेंगे। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। ये पीछे जो गाड़ी देख रहे हैं ये हमारी गाड़ी है, और ये ड्राइवर हैं, और साथ में वो पीछे हमारा टूर गाइड है, और सिक्योरिटी गार्ड भी अंदर बैठा है। अफ्रीका का सफ़र करना इतना आसान नहीं है, तो हम लोग भी तीन लोग हैं तो तब भी हमें बहुत ज़्यादा कास्टली पड़ रहा है। अगर मैं अकेला होता तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ही महंगा पड़ता ना, तो फिर मैं वैसे भी अकेला होता तो कभी भी यहाँ का सफ़र ना करता। तीन लोग थे तो हमने सफ़र किया है, यहाँ पर सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं।